वाह बिग बॉस वाह। अब कह सकते हैं कि भाई लवकेश कटारिया, विशाल पांडे, सना मकबूल, इन सबका एविक्शन आराम से पक्का हो जाएगा, है ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आखिर कहां से ये बातें सामने आ रही हैं और कहां से इन बातों को थोड़ी सी हवा दी जा रही है, समझते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज। आपको बता दें दोस्तों कि इस बार का बिग बॉस का रूटीन माहौल है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसके पहले बिग बॉस जिस चीज के लिए जाने जाते थे वो तो इस बार थोड़ा सा लॉस्ट ट्रैक नजर आ रहा है। बट ये जो बिग बॉस का फैसला है ये क्लियरली ये दर्शा रहा है कि सीजन तीन क्लियरली स्क्रिप्टेड है और सारी चीजें स्क्रिप्टेड ही नजर आ रही हैं। बिग बॉस अनाउंस करते हैं, मैं आपको बराबर बता देता हूं एग्जैक्टली कि क्या है। बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि नॉमिनेशन से लेके एलिमिनेशन हर चीज जो है वो हाउसमेट्स अब खुद डिसाइड करेंगे, यानी कि घर वाले खुद डिसाइड करेंगे। बाहर से कोई भी फैंस, कोई भी आर्मी किसी का समर्थन और सपोर्ट नहीं करेगी। जिसके बाद एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि अब तो भाई फैंस ऑडियंस वोट कर ही नहीं सकती है। क्लियर हो गया ये चीज। अब क्या होगा, ग्रुपिज्म होगा और ग्रुपिज्म में बाहर जाएंगे कुछ लोग। और ऑलरेडी आप देख सकते हो बिग बॉस के घर में 2-3 लोग हैं जो रडार पर हैं, टारगेट पर हैं। लवकेश कटारिया और उसके बाद सना मकबूल, विशाल पांडे, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको जानबूझकर बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। और अब शायद वो चीज़ों पर एक टिक मार्क भी लगता हुआ दिख रहा है कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कि क्या सच में इस तरीके की कोई चीज़ होगी, क्या सच में इस तरीके से इविक्शन होगा, और क्या जिन जिन लोगों ने 29 रुपए दिए हैं इस होप में कि भाई वो बिग बॉस देखेंगे और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को वोट करेंगे, उनकी उम्मीदें वहीं थम जाएंगी। ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।